Hi guys, welcome to my new video. Today I'm going to create a Sonam Bajwa look. Comment box में जरूर बताइएगा आपको मेरी look कैसी लगती है, आपको मेरा makeup tutorial कैसा लगता है, और अगर आपने मेरा channel अभी तक subscribe नहीं किया तो जल्दी से कर ले, like करें और share भी करें, और चलते हैं video की तरफ। सबसे पहले आपने अपने फेस को जो है वो अच्छे से क्लीन कर लेना, वॉश कर लेना है किसी भी अच्छे फेस वॉश से। और मैंने इसके बाद एलोवेरा जेल लिया। एलोवेरा जेल मैं पूरे अपने फेस पे जो है वो लगा लूँगी, क्योंकि मेरी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। ड्राई स्किन के लिए एलोवेरा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हर टाइप की स्किन वाले लोग जो है वो एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ जो है आपने अप्लाई करना है। हर किसी का ना मेकअप करने का तरीका जो है ना वो अलग होता है, तो मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं तो एक लुक क्रिएट कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र मैंने अपने फेस पे लगा लिया है। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड अप्लाई कर लिया मैंने। मेकअप करने से पहले आपको अपनी स्किन को मेकअप के लिए रेडी करना बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किन को मेकअप के लिए रेडी होना चाहिए। मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर। ब्यूटीफाई बाय आमना का ये प्राइमर है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि ओपन पोर्स होते हैं ना, उनके लिए जेल प्राइमर जो होता है ना वो बिल्कुल बेस्ट होता है। और जिनके पोर्स का इतनी जिनको इशू नहीं होता वो जो है वो कोई भी प्राइमर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जिनके ओपन पोर्स होते हैं ना उनके उनको ये जेल प्राइमर ही यूज़ करना चाहिए। जब आप प्राइमर लगा लें तो एक दो मिनट के लिए जो अपनी स्किन को है ना वो छोड़ दें। बेस अप्लाई करने से पहले जो है वो मैं करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। एले प्रो का भी यूज़ कर सकते हैं, पहली बाज का यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबसे पहले अच्छा, अगर आपको डार्क सर्कल है या कहीं से आपका एरिया जो है वो डार्क है तो आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि आप जो है उसके ऊपर ज़्यादा बेस अप्लाई कर दो तो वो आपके जो डार्क जो एरिया है वो कवर हो जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। करेक्टर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मैं मेरे करेक्टर का कलर देखें, ये करेक्टर मैं अप्लाई कर रही हूँ। करेक्टर मैंने अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैं एक बेस यूज़ नहीं करती, मैं काफ़ी सारी मिक्स करके जब वो यूज़ करती हूँ। मिलानी मेरी फेवरेट है, लेकिन मैं सारी जो भी बेस मेरे पास है मेरी तीन ये फेवरेट है। एक है ये मिलानी, ये मेरी फेवरेट है, इसका शेड है 03। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मुसर्रत निस्पा, ये भी मैं ऐड करती हूँ अंदर। ये फेयर कॉम्प्लेक्शन, ये बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि इसमें कंसीलर भी होता है, आपको कंसीलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्राइमर भी होता है। इसके बाद है एनास्ताजी। तीनों जो बेस है इनकी मैंने एक एक पंप ले लिया और बिल्कुल लाइट लाइट से अप्लाई करूँगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी। जब भी आपने बेस अप्लाई करनी है तो कभी भी इसको यूं करके नहीं करना, यूं यूं। कहीं मैंने लोग देखा वो यूं यूं बेस लगा रहे होते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपको टैप 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 करना। बेस अप्लाई करने के बाद मैं कंसीलर यूज़ करने लगी हूँ। ये है फेयर और ये है मेरा कंसीलर मिस रोज। कंसीलर मैंने अप्लाई कर लिया और इस एरिया पे जो है वो कंसीलर अप्लाई करते हैं। और इसके बाद अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। मिस रोज का कंसीलर जो है वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। टैप 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 टैप। इसके बाद मैं लबेलो के जो लिप बाम लगा लेती हूँ। ये मैं आईब्रोज के लिए मिस रोज की जो है वो आईब्रो किट यूज कर रही हूँ। 01 जो है इसका नंबर है। अब मैं बेकिंग कर रही हूँ। ब्यूटी क्लेस्ट की जो है वो कलर स्टूडियो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। और ये ब्यूटीफाई बाय आमना के मैं ब्रशेस यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छे ब्रशेस हैं ये। वो कोई भी लाइट शेड लेना है वो अपने पूरे आईज पे अप्लाई कर लेना है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ब्लैक शेड और इसको सिर्फ रखना है, इस कलर को अभी सिर्फ हम रखेंगे। टैप 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 टैप। मैं ब्राउन्स में जाऊंगी, पहले मैं लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ, इसको ब्लेंड करूंगी ब्लैक शेड को। ब्राउन कलर ही जो है वो मैं नीचे अप्लाई कर रही हूँ। मैं अपनी लैशेस को कर्ल कर रही हूँ।
इसके बाद मैं मेबेलिन का मस्कारा यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ये लैशेस अप्लाई करने लगी हूँ। ग्लू अप्लाई करने के बाद जो है वो इसको 1-2 मिनट के लिए रख दें ताकि थोड़ी सी ड्राई हो जाए, फिर अच्छे से अप्लाई होती है। मैं वाटर लाइन पे ब्लैक पेंसिल नहीं यूज़ कर रही, मैं वाइट पेंसिल ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे वाइट पेंसिल ही पसंद है। ये मैं मिस रोज की यूज़ कर रही हूँ। लैश अप्लाई करने के बाद किसी भी ब्रश से जो है इसको अच्छे से फिक्स कर लें। मैं रिवाज का यूज़ कर रही हूँ। ब्राउन मैट लिप ग्लॉस मैंने लगा लिया है, इसकी आउटलाइन सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं बेनिफिट का जो है वो हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इसको आप ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, मुझे फिंगर से लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। मेरा मेकअप हो गया है कम्प्लीट, यू कैन सी। आई होप आपको मेरा मेकअप ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। अभी मैं चेंज करके आपको अपने फुल लुक दिखाती हूँ। दिस इज माई फाइनल लुक। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि मैंने सोनम बाजवा के लुक कैसे क्रिएट की है। और कैमरा मैन है रिजवान, रिजवान मुझे बताएंगे मैं सोनम बाजवा लग रही हूँ या नहीं। बिल्कुल लग रही हो। थैंक यू। अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।